एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम 2022 के प्रैक्टिकल सेशन अर्थात प्रैक्टिस सेशन के इस तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। सदा की तरह से इस बार भी हम पेपर वन पे चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करें इसके पहले हमने कल के सत्र में एक प्रश्न दिया था, अंतिम प्रश्न, और इस बार भी वही दूंगा जिसका उत्तर मैं चाहूँगा आप लोग दें। अगर आप लोगों ने दिया है तो उसका मिला लें। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का, ये आप लोगों ने देख लिया था, जो नहीं देख पाए स्क्रीन पर देख लें, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन ये क्या होता है? विकल्प है महाप्राण, उष्म, अल्पप्राण और फिर द्विपृष्ठ। ये द्विपृष्ठ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा महाप्राण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? ड, ज, ग और द। इसका सही उत्तर होगा ड। अगला प्रश्न है, श, स, स, ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसमें स्पर्श, नासिक, उष्म और अंतस्थ है। सही विकल्प होगा उष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का सही प्रयोग हुआ है? वेदांत, पंख, रंग और कंबल। इसका सही उत्तर होगा रंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव पूछा जाता है, दो प्रश्न रहते हैं। हृदय, हास्य, हस्त और हल्दी। इसका सही विकल्प होगा हल्दी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तैल, तलवार, तालाब और त्यौहार। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से और तद्भव मतलब होता है संस्कृत से टूट कर जो बना हो। इसका सही उत्तर होगा तैल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चार विकल्प है, बढ़िया लिखना, पढ़ाई न करना, खराब लिखना और नुकसान करना। इसका सही विकल्प है बढ़िया लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, दाल भात में मूसर चंद इस लोकोक्ति का आशय क्या है? धौंस जमाने वाला, बीच में दखल देने वाला, काम बनाने वाला और धौंस जमाने वाला दोबारा लिखा गया है, तो ये विकल्प पहले ही आउट हो जाएगा। इसका सही उत्तर है बीच में दखल देने वाला। अगला विकल्प लेते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? अक्षत, वधु, साधु और नदी। इसका उत्तर अगले सत्र में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।